देवभूमि उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में अब तक 155 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून से ही सामने आए हैं। वहीं सरकार ब्लैक फंगस से निपटने के लाख दावे तो कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। हालात ये हैं कि कई दिनों से मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे, जिससे लोगों की जान जा रही है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। इसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना इंजेक्शन लेने के लिए लोग सीएमओ कार्यालय देहरादून में पहुंच रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द इंजेक्शन उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर तीमारदारों को वापस लौटाया जा रहा है। इससे नाराज होकर आज सैकड़ों लोग सीएमओ कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। पीड़ितों का आरोप है कि विभागीय अधिकारी सुनने को राजी नहीं है, आए दिन सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। कब से आप आ रहे हैं और क्या हो रहा है? मैं पाँच छः दिन से लगातार आता हूँ। सुबह आते हैं, कहते हैं सब सुबह आना, सुबह 9 बजे करीब लाइन में लग जाते हैं, शाम को 6 बजे 7-8 बजे तक खड़े रहते हैं कि अभी मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे। रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं। एम्स में हमारे बड़े भैया भर्ती हैं, वो कहते हैं कि मतलब इंजेक्शन वहाँ से इंजेक्शन के लिए कहा जाता है कि और तो कहीं अवेलेबल है नहीं। यहाँ सीएमओ कार्यालय देहरादून में है तो यहाँ पर सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, ना आश्वासन है कुछ कि सुबह आओ शाम को चले जाओ, कि अब 2 बजे आ रहे हैं, कि 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, अगर पूरे दिन बैठे रहते हैं ऐसे चले जाते हैं, कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीमारदार हैं दुरुस्त इलाकों से आ रहे हैं, ग्रामीण इलाकों से यहाँ पर आ रहे हैं, कई लोग यहाँ पर हैं उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप और कितने दिनों से? मेरा नाम दीपक है और मैं इंद्र से हूँ, मेरे पेशेंट वहीं हैं, एडमिट हैं। तो हम 3-4 दिनों से, विगत 3 दिन से आ रहे हैं हम यहाँ पर, और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए जो हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है। कल हम दिन में आए तो कहा इन्होंने शाम को आएगा इंजेक्शन, शाम को उन्हें मतलब सुबह पता करना, आज ये सब कुछ सारे लोग आ रखे यहाँ पर सुबह से, अब आज दिन हो गई, अब ये कह रहे हैं कि शाम तक भी कुछ पता नहीं है, कह नहीं सकते। तो ये आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे आ रहे हैं और इनकी जो परेशानियाँ हैं वो साफ तौर पे देख सकते हैं। लंबा सफ़र यहाँ पे करके आ रहे हैं, दूर इलाकों से आ रहे हैं, ग्रामीण इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं इंजेक्शन के लिए। यहाँ पे रोज़ इनको यहाँ पे आश्वासन मिल रहा है लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। और भी कई लोग हैं भाई जी, कहाँ से आप आए हैं? मैं रुद्रपुर से आया हूँ। और क्या लेने आया? मैं इंजेक्शन लेने आया हूँ। तो मेरे को, मैं सुबह आया हूँ 8 बजे से, कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद मिलेगा, 10 बजे पता कर रहे हैं, कह रहे हैं नाम लिख दो अंदर फिर आपको बुला दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि 2 बजे देंगे, और अब 2 बज गए हैं तो अब पता चल रहा है कि शाम तक मिलेगा माल, अभी तक यहाँ वैक्सीन आई नहीं, कह रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से अपने परिजनों की जान बचाने के लिए तीमारदार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। लेकिन क्या करे साहब, जब सिस्टम ही लकवाग्रस्त हो तो लोग तो परेशान होंगे ही। वहीं जब पीड़ितों के सवालों को जानने के लिए हमारे संवाददाता आशीष रमोला, सीएमओ देहरादून अनूप कुमार डिमरी के कार्यालय में पहुंचे, तो काफी देर इंतजार करने के बाद भी जनाब अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकले। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ब्लैक फंगस के जो हालात हैं और लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको लेके हम सीएमओ कार्यालय यहाँ पे पहुँचे हैं, और जो अनूप कुमार डिमरी हैं उनसे यहाँ पे बात करने पहुँचे थे। ये जो उनका कार्यालय है वो यहाँ पे हैं, और पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे बैठे हैं, उनसे टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये कार्यालय है, और ये मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं जब वो उस पद पे यहाँ पे तैनात हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर जाए तो सीएमओ कार्यालय के बाहर यहाँ पे तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है, पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे आ रहे हैं, इंजेक्शन यहाँ पे पर्याप्त नहीं है, उनको नहीं मिल रहे हैं। और जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनूप कुमार डिमरे वो साफ यहाँ पे मीडिया वालों से बात करने से कतरा रहे हैं, पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे बैठे हैं। तो आप खुद आकलन लगा सकते हैं कि जब ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से निपटने के लिए सरकार यहाँ पे तमाम दावे यहाँ पे कर रही है और जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है वो मिलने से कतरा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये बीमारी जो है वो लगातार किस तरीके से अपने पैर पसारेगी ये लाजमी है ये देखना, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। देहरादून से आशीष रमोला, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में सरकार भले ही ब्लैक फंगस से निपटने की पूरी तैयारी का दावा करे, लेकिन धरातल पर सरकार के दावे और वादे खोखले ही साबित हो रहे हैं। ये हाल राजधानी देहरादून का है, तो बाकी इलाकों के हालात आप खुद ही समझ सकते हैं। पर हाल देखना होगा कि कब तक उत्तराखंड सरकार ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लोगों को उपलब्ध करा पाती है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।